नमस्कार दोस्तों, टीचर सिंह में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर यूनिवर्सिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में भावनगर यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और यहाँ एमफिल पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2021-22 के लिए, और यहाँ आप 26 सब्जेक्ट में एमफिल एंड पीएचडी कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है भावनगर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। नीचे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है बहुत सारे ऑप्शंस, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। यहाँ देखिए नीचे, इसके अलावा यदि आप कुछ अदर सेक्टर में आप यदि एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके एडमिशन ले सकते हो। पीएचडी के लिए आप यहाँ देखिए नीचे मेंशन किया गया है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल 2021, ठीक है, तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो ये है पीएचडी पोर्टल, डेडिकेटेड पोर्टल इसके लिए बनाया गया है एडमिशन के लिए, एमफिल एंड पीएचडी के लिए। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। तो यहां आप अभी देख सकते हो, यहां मेंशन किया गया है इंपोर्टेंट इवेंट्स एंड द डेट्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमेंसमेंट डेट्स, ये 21 अगस्त से शुरू हो चुका है, ठीक है। देन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट कब है, ये है 4 सितंबर 2021 12 बजे तक, ठीक है। देन एप्लीकेशन फी पेमेंट, ये 21 अगस्त से लेकर आप 4 सितंबर तक आप यहां पे कर सकते हो। और आपका जो एडमिट कार्ड आएगा एंट्रेंस के लिए, ये आएगा आपका 8 सितंबर को। देन आपका जो एग्जाम डेट है, ये है 12 सितंबर 2021। यदि आपको रजिस्टर करना है तो आप यहां क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हो, और यदि आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो तो यहाँ क्लिक करके आप लॉग इन कर सकते हो। तो हम रजिस्टर पेज में हम थोड़ा ओपन कर लेते हैं, क्योंकि रजिस्टर पेज में यहाँ मेंशन किया गया है जितने भी सारे जो सब्जेक्ट्स है। तो इम्पोर्टेंट नोट में आप यहां देख सकते हो, यहां मेंशन किया गया है कुछ इंपोर्टेंट नोटिस, तो आप यहां चाहो तो यहां देख सकते हो। तो मैं इसको स्किप कर लेता हूं। देन इंस्ट्रक्शन फॉर द फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यदि आप इंस्ट्रक्शन देखना चाहते हो कि कैसे इसको फिलअप करना पड़ेगा तो आप इसको भी थोड़ा देख सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हो कुछ क्विक लिंक्स यहाँ दिया गया है, जैसे कि मेन नोटिस, जो मेन जो नोटिफिकेशन है आपको यहाँ मिल जाएगा। तो हम इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एडमिशन के लिए, तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। देन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर मेडिकल, यहाँ मेडिकल के भी वैकेंसी है, तो मेडिकल सेक्टर में जो भी पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए भी जो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए हम इसको भी देख लेंगे। देन पीटीआरएम सिलेबस, यदि आप प्रीवियस ईयर्स का यदि सिलेबस देखना चाहते हो या क्वेश्चन पेपर जो भी है, जो इसका जो एंट्रांस होगा पीटी एंट्रांस, इसका यदि आप सिलेबस देखना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक करके आप सिलेबस देख सकते हो। देन थोड़ा सा नीचे आप यहाँ देख सकते हो इसका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, जो भी आपका क्वेरी है आप मंडे से लेकर सैटरडे 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी हम यहाँ देख लेते हैं इनका जो सब्जेक्ट है, तो रजिस्टर पेज में आपको यहाँ सब्जेक्ट मिलेगा, बाकी अदर नोटिफिकेशन में आपको ये सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम इसका जो नोटिफिकेशन है यही हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो ये है इसका नोटिफिकेशन पेज, आप यहाँ देख सकते हो यहाँ मेंशन किया गया है डिटेल्स, कैंडिडेट का नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, देन कोर्स अप्लाइड फॉर, यहाँ आपको चूज करना पड़ेगा आप कौन सा कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि फैकल्टी ऑफ मेडिकल, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ रूरल साइंस, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, आर्ट्स, मैनेजमेंट, होम्योपैथिक। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। पहले हम चूज करेंगे मेडिकल, मेडिकल में सब्जेक्ट कितने हैं, मेडिकल में यहाँ देखिए 3 सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, यहाँ आप देख सकते हो 3 सब्जेक्ट मेंशन किया गया है। फर्स्ट जो है ये है डर्माटोलॉजी, देन वेनेरोलॉजी, देन लेप्रोसी, इसके अलावा फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल में ये 3 सब्जेक्ट में आप पीएचडी या एमफिल कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार हम सेकेंड सब्जेक्ट चूज करेंगे साइंस, साइंस में आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जियो फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी एंड मैरीन बायोलॉजी। देन हम नेक्स्ट चूज करेंगे रूरल साइंस, रूरल साइंस में आपका जो सब्जेक्ट होगा ये होगा रूरल स्टडीज एंड सोशल वर्क। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे कॉमर्स, कॉमर्स में आपको एक ही सब्जेक्ट मिलेगा कॉमर्स। देन आप यहाँ देख सकते हैं एजुकेशन, एजुकेशन में आपको यहाँ 2 सब्जेक्ट मिलेगा, एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन। देन हम देखेंगे आर्ट्स, आर्ट्स में आपको सब्जेक्ट यहाँ मिल जाएगा इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, नो साइकोलॉजी, देन संस्कृत एंड सोशियोलॉजी, ये सारे सारे सब्जेक्ट आर्ट्स का है। देन आप देख सकते हो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में आपको यहाँ एक ही सब्जेक्ट मिलेगा मैनेजमेंट।
देन आप होम्योपैथिक, होम्योपैथिक में भी आपको यहाँ सब्जेक्ट मिलेगा होम्योपैथिक। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट जब आप मिला दोगे मोर देन आपको 25-26 सब्जेक्ट आपको यहाँ मिल जाएगा पीएचडी एंड एमफिल एडमिशन के लिए। अभी हम चलते हैं इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन पे, वही पेज मैंने ओपन किया था। तो ये है इसका मेन नोटिफिकेशन, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो मेन नोटिफिकेशन पे वही चीज मेंशन किया गया है और इसका जो डिटेल्स है आप यहाँ से देख सकते हो। आप चाहो तो इसका स्नैपशॉट भी एक ले सकते हो। 20 अगस्त ऑलरेडी शुरू हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है ये है 5 सितंबर 2021 एंड डेट ऑफ पीएचडी एंट्रेंस जो होगा ये आपका 12 सितंबर को होगा। एडमिट कार्ड के लिए आपको बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है, और आपका जो एडमिट कार्ड अवेलेबल वेबसाइट में आपको मिल जाएगा 8 सितंबर को, ठीक है। सॉरी, जो लोकेशन के लिए कौन सा लोकेशन पे आपका जो एंट्रेंस होगा ये बाद में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। देन कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी आपको पता है, मास्टर्स डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स रखना जरूरी है और उसके साथ साथ जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5% का छूट मिलेगा। देन इंपॉर्टेंट यहाँ मेंशन किया गया है कि जो भी कैंडिडेट डिस्टेंस मोड में मीन्स पीजी किया है वो यहाँ एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप यहाँ देख सकते हो, कैंडिडेट्स होल्डिंग डिस्टेंस मोड अदर मोड डिग्रीज ऑफ द यूनिवर्सिटी नॉट ऑथराइज टू एमके भावनगर यूनिवर्सिटी, ठीक है, विल नॉट बी अलाउड टू अपियर फॉर द पीईटी। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है, जिन्होंने डिस्टेंस से भी ग्रेजुएट सॉरी जो पीजी किया है वो अलाउ नहीं किया जाएगा उनको एंट्रेंस के लिए। और जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको अप्लाई करते वक्त उनका जो सर्टिफिकेट्स है इसको ऐड करना बहुत जरूरी है, ठीक है, अपलोड करना पड़ेगा। देन बाकी कौन कौन सा स्टूडेंट एग्जामेशन है, एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है, तो सबको पता है जिन्होंने भी नेट गेट सेट इस प्रकार का एग्जाम क्लियर किया है तो उनको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वही चीज यहाँ मेंशन किया गया है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। बाकी इसके लिए टेस्ट फी आपको कितना देना पड़ेगा, यहाँ देखिए मेंशन किया गया एससी एसटी ईडब्ल्यूएस एससीबीसी स्टूडेंट के लिए 1250 रुपया विथ फिजिकल हैंडीकैप ऑल्सो, ठीक है। देन बाकी जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए आपको देना पड़ेगा 1500 रुपया। देन इसको आप कैसे पे करोगे, आपको इसको बैंक बैंक में जाकर आप यहाँ पे कर सकते हो जिसका ऑनलाइन, ठीक है, यहाँ मेंशन किया गया है फी टू बी पेड इन ऑनलाइन, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी भी माध्यम से आप पे कर सकते हो। इसका जो एंट्रेंस होगा यहाँ देखिए, इसका सेक्शन 1 सेक्शन 2 दो सेक्शन है। फर्स्ट जो सेक्शन होगा ये आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का होगा, 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स का। और जो सेकंड पेपर होगा ये आपका जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेपर होगा और जो इसका सिलेबस है ये यूजीसी सीएसईआर नेट का सिलेबस है, यहाँ भी आपको 50 क्वेश्चंस मिलेगा और 50 मार्क्स। टोटल जो टाइमिंग है ये 2 घंटे का टाइम है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो सारे के सारे सेम है। लैंग्वेज यहाँ देखिए, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स सोशल साइंस एंड कॉमर्स बोथ जो एग्जाम होगा जो भी सब्जेक्ट है ये आपको 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, एक गुजराती में और एक इंग्लिश में। तो आप यहाँ चूज कर सकते हो कि आप कौन सा लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है, मगर जो 3 जो लैंग्वेज है जैसे कि हिंदी हो गया, गुजराती एंड इंग्लिश, ये अपने अपने लैंग्वेज में ही क्वेश्चन मिलेगा। देन संस्कृत का जो भी आप एग्जाम देना चाहते हो, संस्कृत का जो क्वेश्चन होगा ये गुजराती में होगा नहीं तो संस्कृत में होगा, ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। ऑल अदर्स इन इंग्लिश, बाकी जो भी अदर सब्जेक्ट है ये सारे के सारे इंग्लिश में आपको मिलेगा। और ये जो एग्जाम होगा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ मेंशन किया गया है नो नेगेटिव मार्किंग। बाकी सिलेबस जैसे मैंने बताया आपको, इसके अलावा भी आप चाहो तो इसका जो प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया था आपको, तो वहाँ भी आप चाहो तो इसको देख सकते हो। तो नाउ हम देख लेते हैं मार्किंग स्कीम, पासिंग स्टैंडर्ड, सबको पता है इसमें कम से कम आपको 50% मार्क्स रखना जरूरी है, ठीक है। देन एग्जामिनेशन जो मेथड होगा ये आपका ऑनलाइन होगा, मगर इसका जो लोकेशन है ये बाद में आपको बता दिया जाएगा कहाँ होगा, मगर ये कंप्यूटराइज्ड होगा, ठीक है, सेक्शन ए बी दोनों सेक्शन में इसका एग्जाम होगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप इसको चाहो तो इसको देख सकते हो। और आपको एग्जाम सेंटर जाने से पहले आपको आपका जो प्रॉपर आईडी प्रूफ है इसको लेकर जाना है विथ एडमिट कार्ड, ये सब सारे के सारे चीज यहाँ मेंशन किया गया है। देन यहाँ मैं इसको थोड़ा सा और हाँ यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कुछ जनरल थिंग्स, आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो। तो आप यहाँ मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप वहाँ भी घर पर थोड़ा अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। एनरोलमेंट फॉर द पीएचडी एमफिल स्टूडेंट थोड़ा बहुत कुछ मेंशन किया गया है। यहाँ भी कुछ जो मेडिकल जो स्टूडेंट है उनके लिए जो क्राइटेरिया मेंशन किया गया है आप यहाँ देख सकते हो। तो उनके लिए भी वही सेम चीज़ है, मास्टर डिग्री होना जरूरी है, यहाँ देखिए आप देख सकते हो पीएचडी इन डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, वही चीज मेंशन किया गया, इसको आप चाहो तो देख सकते हो।
ठीक है। और इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर इसको डिटेल्स में देख सकते हो। और जिसको भी अप्लाई करना है जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इन्होंने जो टाइम जो दिया है ये बहुत कम टाइम दिया है। आप यहाँ देख सकते हो 20 से लेकर 5 तक, मतलब सिर्फ 15 दिन ही आपके पास टाइम है। और ये ऑलरेडी आज शायद 26-25 हो गया है, तो 10 दिन आपके पास बाकी है। तो आप यहाँ चाहो तो जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये था इसका डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।